हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति एंड आफ्टर सो लॉन्ग ये वीडियो एक मीशो हॉल होने वाला है। एंड जो मैंने ये वेयर किया हुआ है ये भी मीशो से है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं एक दिन पहले या एक दो दिन पहले अपने जो न्यू चैनल है ज्योति राज नेम से उस पर शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। एंड ईयर रिंग्स का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो आज का कलेक्शन है उसका प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। वैसे तो मीशो पे बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं, मतलब प्राइस बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली दूसरी साइट से, बट स्टिल अगर आज का जो कलेक्शन है आपको किसी और साइट से भी चेकआउट करना है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर लाइक मुझे इनमें से किसी का भी प्रोडक्ट का लिंक दूसरी साइट पे मिल गया तो वो मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोग के साथ ज़रूर से शेयर कर दिया करिए, जिससे वो भी देख लें और उनकी शॉपिंग थोड़ी ईजी हो जाए। बिकॉज फेस्टिव सीजन है, आप लोग को बहुत सारे काम होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बच सकता है, तो आप वो शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आज के वीडियो में क्या है। सो गाइज, इस ड्रेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका रिव्यू आपको मेरे न्यू चैनल पर मिल जाएगा एंड लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का, एक्चुअली उस वीडियो का जिसमें इसका रिव्यू है। सो बाकी सारे प्रोडक्ट्स का कोड एंड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फाइनली शेयर करते हैं आज का हॉल एंड अपने एंड इस हॉल के सबसे ज्यादा फेवरेट कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा सेट के साथ। सो गाइज, ये रहा ये कुर्ता जो कि मैंने लिया है मीशो से। इस तरीके का है, आप इसकी नेक लाइन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी है, सीक्वेंट का पूरा वर्क हुआ है इसमें। एंड इस तरीके से 3/4 स्लीव मिलती है, गोटा पट्टी मिलती है स्लीव्स के एंड में एंड पीछे आगे इस तरीके से। यह है कुर्ता, स्लिटेड कुर्ता है। इसका फैब्रिक जो थोड़ा सा खादी कॉटन ही होता उस तरीके का है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल भी शेयर नहीं है। इसके कलर और भी अवेलेबल थे, आई गेस ग्रीन भी था और एक और कोई कलर अवेलेबल था मुझे नहीं, बट ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये हर स्किन टोन पे जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस तो बहुत अफोर्डेबल ही है। इसके साथ आपको ये प्लाजो मिलता है इस तरीके का, स्ट्रेचेबल आपको यहाँ पर मिलता है एंड इस तरीके से ये है। इसका भी फैब्रिक थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड है, श्योर नहीं है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, लेंथ प्रॉपर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए प्लाजो की लेंथ होता है बिकॉज प्लाजो बहुत लॉन्ग होता है तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है, वो अजीब सा पैर में फंसता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। मेरी जो हाइट है वो 5'5" है, मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया है, उस अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन इन लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दुपट्टा भी इस तरीके का दिया हुआ है और दुपट्टा बिल्कुल छोटा नहीं, मैंने ओपन करके दिखाया है। एंड में आपको ये टैसल डिटेल मिलती है, चेक्स बने हैं इस दुपट्टे में इस तरीके से। तो थोड़ा हैवी दुपट्टा है, मतलब वेट में हैवी है। ये बहुत प्यारा सेट है, आप किसी भी फेस्टिवल में पहन सकते हैं। आपको ये कलर नहीं लेना है तो कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप वो चेक कर लीजिएगा। एंड ये ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे पहनने के बाद, इसकी फिटिंग मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग बेस्ट थी और इसका फैब्रिक भी कॉटन है तो मुझे तो बहुत पसंद ही है, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। अगर आपको भी अच्छा लगता है देखने में तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने लिया है वो ये है, कुर्ता है ये, और ये शॉर्ट कुर्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है बहुत शॉर्ट भी नहीं है, सिंपल सा कुर्ता है, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है। आप देख सकते हैं इसकी नेक लाइन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, मैंने इसे मीडियम साइज़ में लिया है। और इसमें आपको इसकी नेक लाइन जो है उसकी वजह से रेड और क्रीम और सिल्वर कलर के बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं इससे पेयर करने के लिए, बॉटम वेयर जिससे आप पेयर कर सकते हैं। 3/4 स्लीव मिलती है, इसका फैब्रिक रेयन है, रेयन बिल्कुल भी शेयर नहीं होते हैं। एंड इसमें से जो भी मैं आपको ड्रेस शेयर कर रही हूँ उसमें से काफ़ी सारे ड्रेसेस के बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। इसका भी ऑप्शन आई थिंक अवेलेबल था, पिंक भी था, रेड भी था, ब्लैक था, शायद ऐसे कुछ थे, आप चेक कर लीजिएगा। स्लिटेड कुर्ता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं है। अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो भी अच्छा लगेगा, मेरी तो हाइट 5'5" है, बट अगर आपकी हाइट 5'5", 1'5", 2" भी है तो भी आप पे अच्छा लगेगा। पीछे से पूरा प्लेन है, इसमें जो है वो सिर्फ इसकी नेक लाइन है और ये बहुत खूबसूरत सा, बहुत अफोर्डेबल सा कुर्ता है। मैंने ध्यान रखा है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हों जिससे आपके लिए शॉपिंग सस्ती हो जाए, ईजी हो जाए और लाइक आप बाद में भी चीज़ें पहन सकें।
तो ये उनमें से एक कुर्ता है। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। एंड जो नेक्स्ट लिया है मैंने वो ये है। इससे पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो थोड़ा सा ग्रीन के टच में था, ये थोड़ा सा ब्लू के टच में है। एम्ब्रॉयडर्ड है, गोल्डन कलर से एम्ब्रॉयडरी हुई है और बहुत प्यारी फिटिंग है। इसे भी मैंने मीडियम साइज में लिया है। 3/4 स्लीव मिलती है इसमें और ये थोड़ा सा अनारकली पैटर्न का कुर्ता है। इस तरीके का ये कुर्ता है। आपको दोनों साइड यहाँ पे डोरी मिलती है, तो अगर आपको लाइक यहाँ से फिटिंग अच्छी चाहिए तो आप डोरी से भी बांध सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत लूज भी लग रहा है तो। वैसे मुझे तो परफेक्ट था बट मैंने स्टिल इसे बांध लिया। और इसकी जो नेक लाइन है वो बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं। इसके भी बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे। मैंने इसे एक गोल्डन कलर की, मतलब क्रीम कलर की स्कर्ट के साथ पेयर किया है। पीछे से पूरा प्लेन है और आगे जो डिज़ाइन है बस यही है। उसके अलावा इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा घेर वाला कुर्ता मिलता है। और आप इसे चाहें तो लेगिंग्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा स्कर्ट या प्लाजो आप पहनते हो तो थोड़ा सा फेस्टिव टच आने लगता है, थोड़ा सा पार्टी टाइप का लुक आने लगता है, तो इस वजह से मैंने इसे पहना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लगता है, तो वो आप पेयर कर सकते हैं, बिकॉज गोल्डन कलर का बॉटम वेयर मैक्सिमम सबके पास होता है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो ये है, ब्लू कलर का है, प्लेन कुर्ता है। बस इसमें जो डिज़ाइन है इसकी नेक लाइन पे आपको कोल्ड शोल्डर मिलता है और पीछे ये कीलॉक जैसा पैटर्न मिलता है। इसमें बटन है, वुडन बटन है एंड इस तरीके से 3/4 स्लीव है। और यहाँ पर आपको फॉल्स मिरर वर्क मिलता है, जो आपको ये डिज़ाइन दिख रही है उस पर फॉल्स मिरर वर्क है एंड गोल्डन कलर से, एक्चुअली गोल्डन नहीं है, ये येलोइश गोल्डन जो होता है वो है, तो उससे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है। बाकी ओवरऑल ये प्लेन कुर्ता है एंड बॉर्डर में जा करके आपको एंड सेम यही एम्ब्रॉयडरी एंड फॉल्स मिरर वर्क मिलता है। ये रेयन फैब्रिक का है, बिल्कुल भी शेयर नहीं है एंड आप इसे लाइक अच्छा सा हैवी सा बॉटम वेयर के साथ इसे पेयर करेंगे तो बिल्कुल फेस्टिवल अप्रोप्रिएट हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप कॉलेज, कोचिंग, घर पे जैसे भी चाहें वैसे पहन सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल था, लुक वाइज बहुत अच्छा था। ब्रांड जनसिया से मैंने मीडियम साइज में लिया है एंड उस अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो आप देख सकते हैं अगर आपको ये लेना हो, या तो फिर जो नेक्स्ट है वो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वो इस तरीके का कुर्ता है, रेड कलर का, इतना प्यारा इसका कलर है, मुझे बहुत कलर अच्छा लगा इसका। कैमरे में थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है बट अगर आप नेचुरली अपने आईज से देखेंगे तो भी ये काफ़ी अच्छा कलर है। इस तरीके से आपको यहाँ छोटी छोटी बीट्स मिलती हैं और यहाँ पर बटन लगे हैं जो कि कोई भी ओपन नहीं होते हैं। इस तरीके से ये प्रिंटेड कुर्ता है, इस तरीके से हेवी आपको ऐसा लगेगा कि नेक लाइन बहुत हेवी है बट ये सिंपली प्रिंट है। और ये जो ऊपर से प्रिंट होता है वो है, 3/4 स्लीव है, स्लीव्स के एंड में भी क्रीम कलर से प्रिंट हुआ है एंड साइड में यहाँ पर आपको प्रिंट मिलता है। कट यहाँ से स्टार्ट होता है बट ये डिज़ाइन यहाँ से आपको ऊपर से मिलती है एंड इस तरीके से पूरा बॉर्डर में आपको सेम ये डिज़ाइन मिलेगी एंड नीचे जा करके इस तरीके का आपको बॉर्डर मिलता है। ये काफ़ी ब्रॉड है, लाइक नीचे ये पूरा ए लाइन कुर्ता है, स्लिटेड कुर्ता है बट ए लाइन कुर्ता है। इस तरीके से काफ़ी ब्रॉड है जिसकी वजह से काफ़ी घेर आ रहा था और इसको मैंने पेयर किया है एक रेड एंड क्रीम कलर की स्कर्ट के साथ, जिसका रिव्यू बहुत जल्दी आने भी वाला है और मैंने ऑलरेडी आई थिंक शेयर भी किया है काफ़ी बार, तो वो आप देख लीजिएगा। पीछे से ये पूरा प्लेन है, यहाँ पर आपको थोड़ी चुन्नट मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। रेयन फैब्रिक है, शेयर नहीं है, बिल्कुल पार्टी अप्रोप्रिएट है एंड इतना कम प्राइस में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप वेट किसका कर रहे हैं, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। वीडियो यहीं पे एंड होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और हाँ, जो जुत्ती मैंने पेयर की है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको कोई भी सेट अच्छा लग रहा हो या किसी सेट पे अच्छी लग रही हो तो वो आप ले भी सकते हैं, बिकॉज वो भी बहुत अफोर्डेबल एंड अच्छी क्वालिटी की है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉल के साथ। तब तक के लिए आप बाकी सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हैं और मेरा न्यू चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।